राजगढ़ जिले के करनवास थाने के पनाली गांव में बुधवार रात को जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में उलझ गए। दोनों पक्षों में जमकर लठ और फरसे चले। इसमें एक की मौत हो गई जबकि एक पक्ष के चार लोग व दूसरे पक्ष के तीन सहित कुल सात लोग घायल हो गए हैं। घटना बुधवार रात की है। बताया जा रहा है कि पनाली गांव के पूर्व सरपंच पप्पू पुत्र लक्ष्मी चंद्र रोहेला और गांव के पटेल बद्रीलाल रोहेला के परिवारों में जमीनी विवाद चल रहा था, जहां बुधवार रात को उक्त विवादित जमीन पर एक पक्ष के लोग लकड़ी रखने गए थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हो गई, जिसे पूर्व सरपंच पप्पू के परिवार के लोगों ने पटेल बद्रीलाल के परिवार पर जमकर लठ फरसे बरसाए। इसमें पटेल बद्रीलाल की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायलों को सिविल अस्पताल ब्यावरा लेकर भर्ती करवा दिया है। चाचा ताऊ का कुछ जमीन का विवाद था, इस पर से जो है एक पक्ष जो है गांव के पटेल के पास गया कि आप इनका पक्ष ले रहे हैं, इस पे जो है इनका झगड़ा हुआ। कौन से गांव की घटना है सर, फिर क्या हुआ? ग्राम पनाली की घटना है। इनका कुछ जमीन का विवाद चल रहा था दो पक्षों का, एक आपका पप्पू रोहेला है और दूसरा इंदर रोहेला है। ये काका ताऊ वाले भाई हैं, इनका विवाद चल रहा था। इसी बात का आज पप्पू एवं उनके सहयोगी थे, अभी वो बात अभी मैं पूछ रहा हूँ, तो उन लोगों ने जो है धारदार हथियार से और डंडे से हमला किया। कितने लोग घायल हैं? क्या इसमें करीब तीन लोग घायल हैं, नहीं एक की मृत्यु हो गई और दो घायल हैं, तीन लोग का अभी और देख रहे हैं, पता लगा रहे हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।